सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइज, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि पोकेमॉन वर्ल्ड बहुत सारे मिस्ट्री से भरा हुआ है एंड यार 20 साल से ऊपर हो गए हैं पोकेमॉन एनिमे को, पर अभी तक इन सब मिस्ट्रीज को सॉल्व नहीं किया गया है। एंड गाइज, पोकेमॉन वर्ल्ड में ऐसे बहुत सारे मिस्ट्रीज है जो कि अब तक सॉल्व नहीं किए गए हैं। सो यार, आज के वीडियो में हम 6 ऐसे अनसॉल्व मिस्ट्रीज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। एंड यार, आज की वीडियो हमारी हमेशा की तरह होने वाली है बहुत ज़्यादा ऑसम। इस वीडियो पर लास्ट तक बने रहना एंड अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना एंड वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। सो चलो यार, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 6, एक जिम लीडर कैसे बनते हैं। सो गाइस, जैसे कि तुम लोगों को पता होगा कि हमें पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सारे जिम लीडर दिखाए गए हैं एंड यहाँ तक छोटे छोटे बच्चे भी हमें जिम लीडर दिखाए गए हैं, बट अभी तक किसी को भी नहीं पता कि आखिर एक जिम लीडर बनने के लिए तुम्हारे पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। एंड कभी भी हमें ये नहीं बताया गया है कि आखिर एक जिम लीडर बनने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ता है। तो हाँ यार, ये काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर एक जिम लीडर कैसे बनते हैं। नंबर 5, कैन गोस्ट पोकेमॉन्स डाई। सो गाइस, पोकेमॉन एनीमे में हमें बहुत अलग अलग टाइप्स के पोकेमॉन दिखाए गए हैं एंड उनमें से एक टाइप है गोस्ट टाइप। एंड तुमने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि क्या गोस्ट पोकेमॉन मर सकते हैं, बिकॉज यार आखिर एक गोस्ट पोकेमॉन कैसे मर सकता है, वो तो ऑलरेडी एक गोस्ट ही है। हाँ, दूसरे टाइप के पोकेमॉन का समझ में आता है कि हाँ ये मर सकता है, पर एक गोस्ट पोकेमॉन आखिर कैसे मर सकता है यार। तो हाँ यार, ये भी एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर एक गोस्ट पोकेमॉन कैसे मर सकता है। नंबर 4, हु वेयर द इंडिगो लीग विनर्स। सो गाइस, तुम लोगों को वो तीन पोकेमॉन ट्रेनर्स तो याद ही होंगे जो कि इंडिगो लीग को जीते थे, बट उनके फेस को शेडो से हाइड कर दिया गया था एंड आज तक किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो तीन ट्रेनर्स कौन है जो कि इंडिगो लीग के रनर अप थे। कुछ लोग कहते कि उनमें से एक एजे था, कुछ लोग कहते कि वो कोई और था, बट अभी तक पोकेमॉन कंपनी ने हमें नहीं बताया कि आखिर वो तीन पोकेमॉन ट्रेनर्स कौन थे। तो यार हाँ, ये भी एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर वो तीन ट्रेनर्स कौन थे। नंबर 3, जाइंट ड्रैगनाइट। सो गाइस, तुम लोगों को वो जाइंट ड्रैगनाइट तो याद ही होगा जो कि हमें पोकेमॉन इंडिगो लीग के बिल वाले एपिसोड में दिखाया गया था एंड किसी को भी नहीं पता कि आखिर वो ड्रैगनाइट इतना बड़ा क्यों था। कुछ थियरीज ये कहती है कि वो एक डायनामिक्स पोकेमॉन था, कुछ थियरीज ये कहती है कि वो एक एक्सपेरिमेंटल पोकेमॉन था जिस पर किसी ने एक्सपेरिमेंट किया था, बट अभी तक कोई ये सही से प्रूफ नहीं कर पाया है कि आखिर वो ड्रैगनाइट इतना बड़ा या जाइंट क्यों था। सो यार हाँ, ये भी एक काफ़ी बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर वो ड्रैगनाइट इतना बड़ा क्यों था। नंबर 2, द गोस्ट गर्ल। सो गाइस, गोस्ट गर्ल हमें पोकेमॉन के बहुत सारे गेम्स में दिखाई गई है एंड फर्स्ट टाइम ये स्पॉट हुई थी पोकेमॉन XY के गेम्स में। एंड जब भी तुम इसको एनकाउंटर करोगे तो ये एक ही बात कहेगी कि यू आर नॉट द वन, और ये बोल के वो वहाँ से गायब हो जाएगी। एंड यार, पोकेमॉन कंपनी ने भी ये ऑफिशियली रिवील किया है कि उन्होंने इस गोस्ट गर्ल को अपने गेम्स में ऐड नहीं किया है। तो आखिर यार, ये गेम्स में कैसे आई और ये किसको ढूंढ रही है। सो यार, गोस्ट गर्ल एक बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रियस कैरेक्टर है एंड यार, गोस्ट गर्ल की मिस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस और वियर्ड है। नंबर 1, मिमी क्यू के अंदर कौन सा पोकेमॉन है। सो गाइस, तुम लोगों को पता होगा कि मिमी क्यू बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्रियस पोकेमॉन है और किसी को भी नहीं पता कि आखिर उसके कपड़े के अंदर कौन सा पोकेमॉन है। कुछ थियरीज कहती है कि उसके अंदर एक पॉरीगॉन है, बट ये कहीं भी ऑफिशियली कन्फर्म्ड नहीं है कि आखिर मिमी क्यू के अंदर कौन सा पोकेमॉन है। बस हमें इतना बताया गया है कि हाँ, मिमी क्यू के अंदर एक पोकेमॉन है एंड जो भी उसे देख लेता है उसकी वहाँ की वही डेथ हो जाती है, और यहाँ तक मियाउ भी मरते मरते बचा था। सो यार, ये एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि आखिर मिमी क्यू के अंदर कौन सा पोकेमॉन छुपा है। सो गाइस, ये ही कुछ मिस्ट्रीज थे जो कि अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं एंड सिर्फ इतने ही मिस्ट्रीज नहीं, और भी काफ़ी सारे मिस्ट्रीज हैं। अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 100 लाइक्स कंप्लीट कर देना एंड नीचे वी वांट पार्ट 2 भी लिख देना, और मैं जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 बनाने का ट्राई करूंगा। सो यार, आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर देना। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।